अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग। तो आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो काफ़ी अरसे से सोच रहे थे शॉपिफाई पे अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में और नहीं कर पा रहे थे, जिसमें सबसे बड़ी वजह थी इन्वेस्टमेंट की। तो ये बेस्ट टाइम है उन लोगों के लिए जो कि अपना ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट करना चाहते हैं, जस्ट फॉर चेक करने के लिए कि हमें कैसा रिस्पॉन्स मिलता है इस फील्ड में। तो अभी ये बेस्ट टाइम है क्योंकि शॉपिफाई वालों ने ऑफर दी हुई है कि आप लोग पर मंथ जो है सिर्फ $1 पे करके अपना स्टोर बना सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि आप लोग $29 पे करते थे पर मंथ के, तो जब आपने $29 पे कर दिए तो आपको सेल नहीं होती, तो आप डिसपॉइंट हो जाते थे कि हम पर मंथ $29 पे कर रहे हैं और सेल नहीं आ रही। तो अभी शॉपिफाई वालों ने ऑफर दी हुई है कि 3 मंथ के लिए आप सिर्फ $1 पे करें, ठीक है, और चेक कर सकते हैं कि आपको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये बेस्ट टाइम है, आप लोग अगर अपना ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट करते हैं तो इससे आपको अच्छा खासा फायदा होगा। सिर्फ आपको एक डोमेन परचेज करनी पड़ेगी और मार्केटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको $1 सिर्फ पे करना है शॉपिफाई को और आप इजीली अपना ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो तकरीबन कह लें कि $15 आपके लग जाएंगे डोमेन बाय करने के, क्योंकि शॉपिफाई आपको कस्टम डोमेन नहीं प्रोवाइड करता, शॉपिफाई आपको अपनी डोमेन प्रोवाइड करता है जिसके एंड पे लिखा होता है .myshopify.com, जिस तरह के यहां मैं आपको दिखाता हूं। ये एक स्टोर है, ठीक है, इसमें आप ऊपर देख लें डोमेन नेम online24hr.myshopify.com, ठीक है। शॉपिफाई जो हम प्रोवाइड करता है वो इस तरह की डोमेन प्रोवाइड करेगा, लेकिन हमने कस्टम डोमेन अटैच करनी होती है जिसके बाद जो है अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है स्टोर में। तो एक तो आपको $15 तक डोमेन बाय करनी पड़ेगी, ठीक है, जो कि आपके स्टोर के रिलेटेड होगी, जिस तरह की आपकी प्रोडक्ट्स होंगी उस रिलेटेड आपने एक डोमेन बाय करनी है $15 तक। उसके बाद आपने अपना स्टोर रेडी करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने डायरेक्ट shopify.com पे आ जाना है और यहाँ ऊपर ये ऑफर का मतलब इन्होंने अनाउंसमेंट की हुई है, यहाँ आपने साइन अप पे क्लिक करके तो आपने अपना स्टोर क्रिएट करना है, ठीक है। आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है शॉपिफाई पे, यहाँ स्टोर नेम देंगे, उसके बाद नेक्स्ट करते जाएंगे तो इस तरह भी हो जाएगा। नहीं तो आपने क्या करना है, मैं अपना रेफरल लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपने उस पर क्लिक करके तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, इस पेज पे, और यहाँ अपना ईमेल एड्रेस पुट करेंगे आप लोग, यहाँ जैसे ये मैं पुट कर रहा हूँ, स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे कोई भी स्टोर का नेम देना है जो कि पहले अवेलेबल ना हो, वो आपने स्टोर का नेम दे के तो नेक्स्ट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आ जाओगे, इसके बाद आपसे ये कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आपने वो करने हैं क्लियर, जैसा कि अभी पूछ रहे हैं जी, विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब्स यू, ठीक है। आई एम जस्ट स्टार्टिंग, आई एम ऑलरेडी सेलिंग और इन पर्सन, ठीक है। तो आपने जस्ट स्टार्टिंग पे करना है नेक्स्ट। इसके बाद फिर कुछ पूछेंगे कि आप मतलब कहाँ कहाँ पे सेल करना चाहते हैं, तो फिलहाल ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करके नेक्स्ट कर दें, ठीक है। व्हाट डू यू प्लान टू सेल, किस तरह के प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट हैं, फिजिकल हैं, सर्विसेज हैं, या आई एम नॉट श्योर, तो आपने फिजिकल प्रोडक्ट करनी है, ठीक है। वेयर विल यू गेट योर प्रोडक्ट, कहाँ से आपके प्रोडक्ट आएंगी, आई शैल फाइंड और मेक प्रोडक्ट माई सेल्फ, ठीक है। आई शैल गेट फ्रॉम ड्रॉप शिपिंग सप्लायर, इस पर क्लिक कर देना है आपने। अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, आपके अपने प्रोडक्ट हैं तो इस पर क्लिक कर देना है, नेक्स्ट कर देना आप लोगों ने, ठीक है। तो आपका बिजनेस लोकेटेड कहाँ पे है, आपने कंट्री सिलेक्ट करनी है, आप किसी और कंट्री में मतलब एड्रेस वगैरह डालना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट कर लेनी है, नहीं तो आपने पाकिस्तान सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ वो मुझसे लॉगिन का पूछ रहे हैं, मैं लॉगिन करता हूँ। अच्छा जी, मैंने लॉगिन किया है तो उन्होंने स्टोर क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, बिल्डिंग योर स्टोर लिखा आ रहा है और लोडिंग ले रहा है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा और उसके बाद हमारा जो है एडमिन पैनल रेडी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ हमारा एडमिन पैनल जो है वो तकरीबन रेडी हो चुका है, आप देख लें ऊपर डोमेन नेम आ गया है, जैसे पहले बता रहा था आप लोगों को, ये मैंने डोमेन नेम रखा था, इसके साथ जो है .myshopify.com आ गया है। तो यहाँ हमारा जो है ट्रायल स्टार्ट हो गया है, इसके बाद जो है यहाँ से पिक प्लान करेंगे और आप लोग जो है $1 वाला प्लान जो है बाय कर सकते हैं इनका, शॉपिफाई वालों का। यहाँ आ जाते हैं प्लान में, तो लिखा हुआ है चूज प्लान,
इसमें $1 आप पे कर सकते हैं। पहले $19 था, पहले सबसे $29 था, फिर $19 हुआ और अब इन्होंने $1 दिया हुआ है, वो भी 3 महीनों के लिए। तो आपने ये चूज़ दिस प्लान करके आपने इनको पे करना है अपने क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से, तो आपका स्टोर एक्टिव हो जाएगा। और अभी हमारा स्टोर फ्रंट व्यू करते हैं तो फ्रंट पे कुछ भी नहीं है, शो नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, कोई इशू है, रिफ्रेश करते हैं। तो ये हमारा स्टोर फ्रंट है, बिल्कुल एम्प्टी है। आप लोग इस थीम को भी डिज़ाइन कर सकते हैं और अपनी मर्जी से कोई न्यू थीम लगा के उसको भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैंने तकरीबन सारा कोर्स इस पे कंप्लीट बनाया हुआ है, किस तरह आप लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको अपनी प्लेलिस्ट में जाके। अच्छा जी, आपने मेरे चैनल पे आ जाना है और प्लेलिस्ट में आना है, ठीक है। प्लेलिस्ट में आएंगे तो यहाँ पे प्लेलिस्ट है शॉपिफाई कंप्लीट कोर्स 222 का, ठीक है। तो इसे ओपन करना है, इसमें तकरीबन 15 वीडियो हैं जिसमें मैंने कंप्लीट बताया हुआ है कि किस तरह आप लोग शॉपिफाई सर्विसेज दे सकते हैं या अपना स्टोर डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। 15 से 20 मिनट की वीडियो हैं टोटल, तो इजीली आप लोग 5-6 घंटों में अपना स्टोर बनाना सीख जाएंगे और हर चीज़ के मुकम्मल डिटेल से मैंने इसमें बताया है। अगर आप वन प्रोडक्ट स्टोर बनाना चाहते हैं तो उसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो यहाँ पे डाली हुई है वन प्रोडक्ट स्टोर के बारे में, तो आप लोग वो भी देख के अपना वन प्रोडक्ट स्टोर बना सकते हैं। तो ये वीडियो है वो कि जिसमें मैंने बताया वो मैंने अपने कस्टमर के लिए वन प्रोडक्ट स्टोर कैसे डिज़ाइन किया, तो इसे देख के आप लोग अपना वन प्रोडक्ट स्टोर जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। ये 50 मिनट की वीडियो है तो कंप्लीट इसमें स्टोर मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। तो इस तरह करके आप लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, बहुत ही इजी वे है और ये बेस्ट टाइम है उन लोगों के लिए जो कि ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना चाहते थे, ठीक है। जो प्लेलिस्ट देखेंगे आप उसमें बताया हुआ है कि ड्रॉप शिपिंग ऐप्स कौन सी हैं, कौन सी ऐप यूज़ करके आप लोग जो है प्रोडक्ट इम्पोर्ट कर सकते हो और डिज़ाइन कर सकते हो अपना स्टोर। कंप्लीट उसमें बताया हुआ किस तरह आप लोग थीम अपलोड कर सकते हो, आपके पास पेड थीम है तो वो यूज़ कर लें, अगर फ्री थीम यूज़ करना चाहते हैं तो वो यूज़ कर लें। ईजीली आप लोग जो है इसको समझ सकेंगे और अपना स्टोर डिज़ाइन करके ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, क्योंकि अभी $1 है और इसमें इशू नहीं आएगा आपके पास कि जी हम क्या करें कि $29 पे करने पड़ेंगे तो सेल ना हुई तो क्या होगा। तो ये चीज़ें अभी मतलब इतनी टेंशन नहीं देंगी आपको। $1 पे करके आप लोग जस्ट डोमेन बाय करके स्टोर के साथ लिंक करें, आपकी कस्टम डोमेन लिंक हो जाएगी, उसके बाद आपका सिर्फ जो एक्सपेंस आएगा वो आएगा मार्केटिंग पे। तो आप अपनी मर्जी का बजट सेट करके अपनी टारगेट कंट्री को टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि US है या कोई और कंट्री है, तो इजीली आप वहाँ पे सेल कर सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।